हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रज रोवर क्लासेस में। तो बच्चे लोग, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्लास जो हमारी कल की क्लास है और ये क्वेश्चन नंबर है 20, तो थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई थी, उसको ठीक करने के लिए आज सोचा कि इसको दोबारा से डिस्कस करें। ये कह रहा है कि वह अपना सर खुजलाता है, रेखांकित शब्द कौन सी क्रिया है। अब देखिए, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्रिया आपको दी गई है कर्म के आधार पर, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अभी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हो क्या होता है जानने के लिए हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। ओके, तो पहले जान लेते हैं कि क्रिया क्या होती है, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। एक सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से दें और नोट्स बना लें, ठीक है ना। तो क्या है क्रिया को जान लेते हैं, क्या होता है कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा। इन दोनों वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वेता है, ठीक है, हो हुई है। अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है, जो कि ऐसी क्रिया जो कि स्वयं हो रही है तो क्रिया, ठीक है। अभी जानेंगे इनके अंदर क्या क्या किसके अंतर्गत आती है वो, अभी जाने क्रिया कितने प्रकार की हो रही है, ठीक है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग ना होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। कर्ता भी नहीं चाहिए और अन्य कोई योजक भी नहीं चाहिए। चल जैसे सिंपल देखो, पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है ना कोई अन्य योजक भी है, फिर भी क्रिया हो रही है, फिर भी क्रिया गलत है। इसलिए बोलते हैं कि जिन शब्दों से काम के करने का होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। काम के होने का पता लग रहा है, बैठ जाओ, पानी लाओ, वगैरह वगैरह। और देखते हैं इसमें क्या है, इसमें आता है एक धातु। जब क्रिया की बात करते हैं तो धातु भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने से सामान्य रूप बनता है। जैसे कि धातु रूप क्या है, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि। और सामान्य रूप क्या बन जाएगा ना लगाने का, बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, देखना आदि। क्लियर। अब देखते हैं क्रिया के भेद किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो, जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, ठीक है। अब ये हो गया कर्ता, ठीक है, ये हो गई क्रिया और ये हो गया कर्म, ठीक। माली ने पानी से पौधों को सींचा, ठीक। अब यानी कि पौधों को सींचा किससे, पानी से, ठीक है। तो कर्म भी हमारा हो गया साथ साथ में और पौधों को सींचा, क्लियर है। और एक चीज और बता के चलता हूं यहां पर, कि ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सकर्मक और क्रिया में और अकर्मक क्रिया में पहचान करनी हो, आगे पहचान वाला ही है, वही क्लियर हो जाएगा। बताते हैं आपको कि कैसे पहचान करेंगे। इतने आप जानिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया इन इन ट्रांजिटिव वर्ब, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कर्म के होना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे शाम सोता है, इसमें सोना क्रिया है, कौन सी, अकर्मक। शाम करता है, सोने की क्रिया उसी से द्वारा पूरी होती है। यानी कि ये ध्यान रखे, इसमें जो काम होता है वो सीधा कर्ता पे प्रभाव होता है, और सकर्मक क्रिया में किस पे प्रभाव पड़ता है, कर्म पर। और यहाँ पे कहाँ प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर। यही है छोटी सी पहचान है। और देखेंगे कैसे, अन्य उदाहरण देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, ठीक है। तो जो उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी। रोने का काम कौन कर रहा है, बच्चा। तो सिंपल सी क्या है, अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे कि तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि, जिसका जो भी क्रिया हो और जिसका प्रभाव सीधा किस पे पड़े, कर्ता पर। अब देखते हैं इनकी पहचान, पहचान कैसे होगी। देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे होगी, क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले, इंपॉर्टेंट याद रखें, तो समझना चाहिए क्रिया क्या है, सकर्मक। यदि ना मिले तो क्या कहलाएगी, अकर्मक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम फल खाता है, अगर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, क्या पूछेंगे, तो क्या खाता है, फल खाता है।
प्रश्न करने पर राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल। तो खाना जो क्रिया वो कैसी होगी, सकर्मक क्रिया। सीमा रोती है, इसमें अगर प्रश्न पूछा जाए क्या, तो उत्तर नहीं मिला। तो इस वाक्य में जो रोना क्रिया है वो कौन सी कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। और देखेंगे सीधा कि जो किसके द्वारा हुई है वो सीधा कर्ता के द्वारा हुई है, और यहाँ पर आपको कर्म दिया हुआ था, ठीक है। कर्म मतलब जो कि होता है। सिंपल सी और अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का यदि कम होना, ठीक है, घटना, ठीक है, या फिर उसमें कोई चीज खत्म हो रही है, जैसे चप्पल घिस रही है, साइकिल का टायर घिस रहा है, सड़क पे चलने से सड़क का भी नुकसान होता है, सड़क भी घिस रही है, तो देखिए कम हो रहा है, घट रहा है, खत्म हो रहा है, या कोई चीज बढ़ रही है, ठीक है, कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज बन रही है, तो वहां सब जगह पे क्या चला जाएगा, वो आपका जाएगा सकर्मक क्रिया। और ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो भी कोई काम हो रहा होगा ना, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज काम हो रहा होगा, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे मोहन मोहन केला खाता है, ठीक है, मोहन क्या खाता है, क्या पूछा हमने उत्तर डालने के लिए, ठीक है, तो जब हमने उत्तर देखा क्या खाता है, केला खाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्म। तो कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। इसके और एग्जाम्पल बताता हूं आपको, देखिए कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके निर्णय का भेद किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए अकर्मक और सकर्मक कुछ क्रियाएं थोड़ी मिलती जुलती सी दिखाई देंगी आपको, जैसे कि देखिए उसका सिर खुजलाता है, ठीक है, अब जो जो सिर उसका खुजला रहा है, ठीक है ना, किसका, उसका, यानी कि कोई यहां पर व्यक्ति है। अब देखिए वह अपना सिर खुजलाता है, ठीक है, यहां पर कर्म भी जुड़ गया, ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। जब उसने कहा कि वह अपना सर खुजलाता है तो सकर्मक हो गया, जब यहाँ पर दिया नहीं हुआ है कि उसका सर खुजलाता है और बताया ही नहीं गया है कि वो कौन है क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज की जो मतलब कर्म की यहाँ पर अनुपस्थिति है, इसलिए हमने इसको क्या दिया है, अकर्मक क्रिया। ऐसे देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और मैं घड़ा भरता हूं, यानी कि यहां पर जो ये काम करने का काम है ये कौन कर रहा है, ठीक है, कर्म हो रहा है यहां पर, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं। सिंपल से अक्षरों में समझिए, तो आ जाते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा था हमारा कि वह अपना सिर खुजलाता है, ठीक है, तो हमने डाला इसमें प्रश्न में क्या खुजलाता है, सिर खुजलाता है, तो सिर हमारे यहाँ पे कर्म हो गया, इसलिए हमारी ये क्या बन गई, सकर्मक क्रिया। तो ये तो हो गया पिछला प्रश्न, आज अब करते हैं आज के प्रश्न। चलिए तो इसमें पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, गद्यांश देखेंगे कि डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे, वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे, उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया और पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है, भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया, वह सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे, उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, कलाम जी तपस्या और कर्मठता की प्रतिमूर्ति है। क्लियर, तो कलाम जी के बारे में बताया, और आप इस अगर गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें आप स्वयं भी बहुत सारी चीजें खुद के लिए सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं कि देखिए कि सपने जरूर देखें, सपनों को विचारों में जरूर बदलें, विचारों को कार्यवाही यानी कि एग्जीक्यूट कर जरूर, ताकि वो हकीकत में बदल सके, ठीक है। तो ये कलाम जी ने कहा था।
तो चलिए जानते हैं इसमें प्रश्न क्या क्या दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है? अल्प विकसित, विकसित, निर्मित और विकासशील। और अल्प विकसित तो देखो सिंपल है, वैसे दिया हुआ है शुरुआत की ये लाइनों में, ठीक है। तो देखिए अल्प विकसित जैसा कोई शब्द हमारे देश के लिए होगा नहीं, और विकसित अभी नहीं कह सकते। विकसित का मतलब क्या हुआ? डेवलप कंट्री, यानी कि विकसित देश, ठीक है। जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, ये विकसित देश है, ठीक है। निर्मित देश और विकासशील देश, हमारा देश अभी कौन सा है? विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। अभी विकास इसका निरंतर रूप से चल रहा है, पर उनकी सोच क्या थी, उनका सपना क्या था कि वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नंबर दो। क्या है प्रश्न में कि डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? प्रवृत्ति मतलब किस नेचर के थे, ठीक है। कैसे थे? असहज, दयालु, भावुक या क्रूर? तो इसका उत्तर आप ढूंढेंगे तो नीचे से आ जाइए दूसरी तीसरी लाइन में। वह सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, जो आंसर कर रहे हैं बच्चे लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा? भावुक। एज इट इज आपको स्वयं से नहीं सोचना है, जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं उनका ही आपको जवाब खोजना है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है? डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले क्या थे? वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्य या कोई नहीं? आंसर कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि जल्दी से इन्होंने देख लिया है, पहली ही लाइन में आंसर दिया हुआ है कि डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चार करते हैं। प्रश्न नंबर चार कह रहा है, डॉक्टर कलाम को किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया, यानी कि कौन कौन से उनको सम्मान मिले? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक, और भारत रत्न या उपरोक्त सभी। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, इसी तरह आंसर देते रहे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पांच नंबर, डॉक्टर कलाम को क्या क्या बेहद पसंद था? कविताएं लिखना, वीणा बजाना, बच्चों के साथ रहना। तो अभी तो हमने पढ़ाई है बिल्कुल एज इट इज, नीचे तीसरी लाइन देखेंगे कि उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब आ जाते हैं अपने अन्य प्रश्न पर। जल्दी से उत्तर देना है इसका फटाफट से। के कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार की पहचान करें। उपमा, अनुप्रास, श्लेष और यमक। तो जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा बच्चे लोग। जी उत्तर दीजिए। देखिए जैसे ही आपने देखा, यहां पर आप एक चीज देखेंगे इस पूरे लाइन में कि यहां पर आपको दो शब्द एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है। अब कनक कनक ते सो गुनी, ठीक है, कनक कनक। अब यहाँ पे जो कनक का अर्थ है, ठीक है, कनक का जो अर्थ है वो दो अर्थ होते हैं। एक होता है धतूरा, ठीक है, और एक होता है गोल्ड, सोना, ठीक है। अब धतूरा क्या होता है आप लोग सोचेंगे, कुछ लोग के सर ये धतूरा क्या होता है, तो आप देखेंगे एक ये फल कह सकते हैं आप, और इसके ऊपर इस तरह की काटे काटे से होते हैं, ठीक है। और ये जो शिवजी को अर्पित किया जाता है ज्यादातर शिवरात्रि वाले त्योहार पे, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, तो ये आपको वहीं पे मंदिर के आसपास मिल जाता है, उसे धतूरा बोलते हैं। और दूसरा क्या है, कनक का मतलब क्या है? सोना, ठीक है, क्लियर। और एक कनक का मतलब और होता है, क्या होता है? गेहूं, ठीक है ना, गेहूं। तो अब देखेंगे यहां पर, तो जब जैसे ही आपको पता लगा कि यहां पर इसमें कैसे पता लगेगा आपको कि आपको ये सारे पता होना चाहिए। सारे कैसे पता लगेंगे आपको? सिंपल सा है कि आप 10 जोरा क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ डेमो क्लासेस देखिए, और अगर आपको डेमो क्लासेस पसंद आ जाए तो आप उसमें
आपने आपको एनरोल कर सकते हैं। जब आप एनरोल करेंगे तो आप हिंदी के सेक्शन में जाएंगे और हिंदी के सेक्शन में आपको 23 वीडियो दिखाई देंगी, जिसमें से एक आपकी जो है अलंकार की वीडियो है। उस अलंकार की वीडियो में इन सभी को डिटेल में बताया हुआ है। पर चलिए फिर भी बता के चलते हैं। देखिए, उपमा होता है जब किसी की तुलना की जाए, अनुप्रास क्या होता है जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो, श्लेष क्या होता है जब कोई एक शब्द दिया हुआ हो और उसके बहुत सारे अन्य अर्थ हो। पर यहाँ तो दो दिए हुए ना, इसलिए यहाँ पे ये श्लेष नहीं होगा। कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार के बारे में यदि बताएं तो देखिए, पहले बता देते हैं आपको थोड़ा सा, कुछ बच्चों को थोड़े नए जुड़े हैं। अलंकार होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। पहला कौन सा होता है? शब्द अलंकार। तीसरा होता है आपका अर्थालंकार और चौथा होता है आपका उभय अलंकार, ठीक। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है आपका ये यमक अलंकार, याद रखें, ठीक है। यम अलंकार का मतलब होता है कि समान शब्द अर्थ भिन्न, ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं, समान अर्थ और अर्थ भिन्न, ठीक है। इसको डिटेल में देखने के लिए आप जा सकते हैं जरा क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर सात क्या कह रहा है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग? देखिए कितने सुंदर शब्दों में, ठीक है, मात्र एक छोटी सी परिभाषा कह सकते हो, या फिर इसको जो जिन्होंने बनाए हैं ये प्रश्न, ठीक है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिन्होंने भी, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से पूछा है कि पढ़ते पढ़ते ही मतलब उसका आंसर का भाव आने लगता है, ठीक है। अंतिम देखे ही देखे, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, तो अंतिम रूप ले लिया तो यानी कि क्या कहलाएगा ये हमारा? सिंपल सा इसको आप ऐसे समझिए, ये आपका हो जाएगा पूर्ण विराम, क्योंकि जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो आप ऐसे लगा देते हैं, तो ये कहलाता है आपका पूर्ण विराम, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है डॉट, ठीक है ना, इंग्लिश में होता है डॉट, फुल स्टॉप, याद आया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। और हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम, ठीक है। और अल्प विराम क्या है? ये सब अल्प विराम है आपके, ये सब अल्प विराम है, ठीक है ना। और उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? उद्धरण चिन्ह को एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? अवतरण। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? इनवर्टेड कोमास, ठीक है। क्या होते हैं इनवर्टेड कोमास? आपने देखे होंगे इस तरह के, ठीक है, इनवर्टेड कोमास, डबल इनवर्टेड कोमास, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इनवर्टेड कोमास तो आपको पता ही होगा कि देखिए, किसी की जो कोई भी बात कही हुई है, कोई महापुरुष के बारे में कोई बात की गई है, किसी वैज्ञानिक ने कही है, तो उसको बिल्कुल हाईलाइट करने के लिए इनवर्टेड कोमास का इस्तेमाल होता है। और योजक तो आपको पता ही है, योजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। कैसा होता है? ऐसा होता है, आपने देखा होगा ना, सुख दुख, माता पिता, ठीक है ना, उन सब में इस्तेमाल होता है आपका योजक चिन्ह। तो इसमें क्या आपका? पूर्ण विराम। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर आठ। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा कौन सा शब्द है? होश, जनता, दर्शन या लोग? जानते हैं कि क्या होते हैं एक वचन, ठीक है, एक वचन वाले रूप बताने हैं आपको, किसमें एक वचन वाली, एक वचन जिसमें पाया जाता है, होश, दर्शन और लोग। ये सभी जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये बहुवचन होते हैं। और यही नहीं होते, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आंसू बहुवचन, आदरणीय, ठीक है, आदरणीय, जब भी सम्मान देते हैं तो वो सब चीजें हमारी बहुवचन में चली जाती है। दर्शन हो गया, होश हो गया, आंसू हो गए, आदरणीय, और बताता हूँ आपको, भाग्य और दाम, पैसा होता ना, कितने दाम का है ये, हस्ताक्षर, ये सब बहुवचन ही बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? प्राण, ठीक है, और क्या हो सकते हैं आपके? प्राण, ठीक है, ये सभी आपके बहुवचन ही आते हैं, याद रखें। और जनता, जनता जो होता है वो आपका एक वचन की कैटेगरी में आता है। और जनता के साथ साथ में ऐसे अन्य शब्द हैं जैसे कि सत्य, लिखते रहिए बच्चे लोग, जैसे कि वर्षा,
जैसे आकाश, ठीक है, क्रोध, ठीक है, प्रेम, पानी, दूध, ठीक है, ये सब क्या आपके एक वचन के अंतर्गत आते हैं, याद रखें, ठीक है। आई होप आप सभी ने लिख लिए होंगे। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बहुत आसान है। सर्प, मेघ और हरिण। हरिण मतलब डियर, ठीक है। तो अब देखेंगे इनमें कुछ आपको कॉमन सा महसूस हो रहा होगा। सर्प कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ये सर्प हो गया। बादल कैसा होता है? बादल भी ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। और जो हरिण है, जो डियर है, उसकी जो पीठ होती है, ठीक है ना, उसकी जो पीठ होती है वो भी ऐसी होती है। तो इन सब चीजों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो इस तरह की जो आकृति बनती है, जो इस तरह की आकृति बनती है, तो वो आती है आपकी सारंग में। किस में आती है? सारंग। सारंग क्या होता है? सारंग एक धनुष का नाम है, विष्णु जी के धनुष का नाम, ठीक है ना, कुछ इस तरह का होता है। और एक दो तरह के होते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ, याद आ गया। एक होता है पिनाक, ठीक है, एक होता है सारंग, ठीक है। पिनाक जो है वो शिव जी का धनुष है, और जो सारंग है वो विष्णु जी का धनुष है, ठीक है। इनके पिक्चर आपको मिल जाएगी, देख लेना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। प्रश्न नंबर 10 करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची क्या होगा? अभ्यागत, मदन, मधुकर और नारायण। तो देखो जो आपको गलत लगते हैं वो आपको तुरंत निकाल दे। नारायण क्या होता है? नारायण तो विष्णु जी का हो है पर्यायवाची। मधुकर क्या होता है? मधुकर होता है भौरा, ठीक है, मधुकर क्या होता है? भौरा। मदन क्या होता है? मदन होता है कामदेव का पर्यायवाची, ठीक है। अब क्या बच्चा आपका? अभ्यागत, ठीक है, अभ्यागत यानी कि घर में आए हुए, अभ्यागत, आगत मतलब आने वाले, ठीक है। कौन आ रहे हैं? अतिथि आ रहे हैं, क्लियर। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते रहिए। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी पद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो देखेंगे एक एक ऑप्शन को ध्यान से कि उसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाननी है। कौन सा ऑप्शन में है? ममता। अब देखिए पहले ही आपने शब्द ममता देखा तो तुरंत आप इसको हटा दें, क्योंकि ममता कैसा है? ममता आपका भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए अगला देखेंगे। राधे श्याम नाम है, पन्ना नाल एक नाम है, और हिमालय एक पर्वत का नाम है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपने अगला आंसर देखना ही नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो पूरी हो गई है कि जिसमें सभी शब्द क्यों होंगे व्यक्तिवाचक। तो राधे श्याम भी एक नाम हो गया, पन्ना लाल भी एक नाम हो गया, और हिमालय भी एक पर्वत का नाम हो गया। और बाकी में आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको भाववाचक संज्ञा दिखाई देगी, जैसे कि देखिए ऊंचाई, ये उदासी और ये चालाकी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। 12 क्या बोल रहा है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवान, भगवान मतलब इंग्लिश में बोलते हैं गॉड, तो इंग्लिश में क्या बन जाएगा? गॉडेस, ठीक, गॉडेस। अब क्या बनेगा? भगवानी नहीं, भगवानी नहीं, भगवत और भगवती, ठीक है। तो आपने देखा होगा, यदि आप कभी लोग जागरण में गए हो या कहीं आपने सुना हो कि माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, माँ भगवती, तो भगवान के अपोजिट स्त्रीलिंग में क्या आ गया? भगवती आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, कहावत का अर्थ क्या है? यानी कि यहाँ लिखा है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तेल बेच रहे हैं, और कुदरत का खेल देखो क्या है। देखो फारसी पढ़े लिखे तेल बेचते हैं, कुदरत के खेल में फारसी तेल बेचते हैं, योग्यता अनुसार कार्य ना मिलना, सभी के गुण समान नहीं होते। तो यहाँ पर जो इसका सही जो भावार्थ निकल कर आता है वो निकल के आता है आंसर नंबर सी में, ठीक है, योग्यता अनुसार कार्य ना मिलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने या तो 2 साल का डिप्लोमा किया होगा टीचिंग का, या आपने बीएड करी होगी, ठीक है, चाहे वो आपकी 1 साल की हो, 2 साल की हो, चाहे वो 4 साल की हो, ठीक है। अलग अलग बीएड के अलग अलग टर्म्स हैं, ड्यूरेशन है। तो देख अब मान लीजिए आप टीचर का आपने कोर्स बनाया, ठीक है ना, और पता लगा आपको कोई और जॉब दे दी क्लरिकल और स्कूल में, या कैसे भी समझ लीजिए, होता है कई स्कूलों में टीचिंग छोड़ के बाकी चीजों में लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? योग्यता अनुसार कार्य ना मिलना। सैलरी तो मिलेगी, कार्य नहीं मिलेगा योग्यता अनुसार। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न
प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14 है कि मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुष सर्वनाम से करें। अब अन्य पुरुष आपको यदि पता हो कि यदि आपने ध्यान से कभी हमारी पिछली कक्षाओं में देखा हो कि जब हमने पढ़ाए हो आपको सर्वनाम, तो पहले आपको बताता हूँ कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक लाइन भी बताई थी जो कि आपके लिए एक ट्रिक, मतलब उसको याद रखने के लिए आप तो रख सकते हैं कि क्या है, पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें सीधा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष आ गया ना, तो पुरुषवाचक के बारे में बात करते हैं। तो चलते पुरुषवाचक की तरफ। तो पुरुषवाचक क्या होता है, जिसमें किसी पुरुष के सीधा सीधा संबंधित शब्द से उसको व्याख्या की जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब पुरुषवाचक में बताता हूं आपको मैं, पुरुषवाचक में होते हैं 3 प्रकार के भेद। ध्यान से देखेंगे पुरुषवाचक में कितने भेद होते हैं, 3 प्रकार के भेद होते हैं पुरुषवाचक में, ठीक है। अब पुरुषवाचक की तरफ चलें तो आपको देखें, मैं बताता हूं आपको, एक एक करके बताता हूं। लिखेंगे आप अगर लिखना चाहे तो, पहले होता है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। फिर क्या होता है आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये होते हैं पुरुषवाचक के 3 भेद। अब उत्तम पुरुष में कौन आता है, उत्तम पुरुष में आता है जैसे कि मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, ठीक है ना, मुझको वगैरह वगैरह। और मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, तू, तुम, आप, तुमने, आपने, ठीक है। अब अन्य पुरुष में क्या हो गया, देखिए ये स्वयं की बात करते हैं, ये दूसरे की बात करते हैं, और ये दोनों मिलकर किसी अन्य की बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला यह है, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्हें, उन्होंने, इसने, इनसे, उनसे आदि, क्लियर। तो आपको आंसर आपका मिल ही गया होगा, अन्य पुरुष क्या आपका, जो कि अन्य के बारे में बात करते हैं, अन्य का मतलब जो कि आपसे दूर भी हो सकता है। तो क्या है आपका, उन्हें, आपका क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा मैं फिर से बताता हूँ आपको, यदि आपने डिटेल की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए जोरावर की क्लासेस के एप्लीकेशन पर, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाइए और लॉगिन कीजिए, वहां जाके कुछ डेमो क्लासेस है, डेमो क्लासेस अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो जाके आप उसको एनरोल करें, एनरोल करेंगे तो आपको हिंदी की क्लासेस, आपको डिटेल की वीडियो देख के करके आपको देख सकते हैं, अपने नोट्स आप बना लीजिए। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 क्या बोला, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा नाम धातु क्रिया है। तो आपको जो मैंने शुरुआत में क्रिया पढ़ाई थी तो आपको बताया होगा कि जिसके अंदर ना लगा दे, ठीक है, वो आपकी नाम धातु क्रिया बन जाती है। तो आप देखेंगे अब ना में भी ये आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे बनी होगी, ठीक है। तो ये बतियाना, ठीक है ना, बतियाना जो बनी है आपकी वो किससे बनी है, बात से, क्लियर। इसको डिटेल में चलो और बताता हूं मैं आपको, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए जो नाम धातु होती है, नाम धातु क्रिया जो होती है, ठीक है ना, वो आपकी दो तरह से निर्धारित की जाती है, एक होती है संज्ञा के आधार पर, एक होती है विशेषण के आधार पर, ठीक है। अब संज्ञा के आधार पर मान लो संज्ञा है, जैसे कि मान लीजिए हाथ, तो नाम धातु क्या बन जाएगी, हथियाना, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए आपने बोला बात, तो क्या बन गई, बतियाना। विशेषण, विशेषण मान लीजिए किसी शब्द को लिखा है हमने चिकना, तो इसका क्या बन जाएगा, नाम धातु क्या बन जाएगी इसकी, चिकनाना, ठीक है। गर्म का गरमाना, ठीक है। तो ये आपके हो गए नाम धातु क्रिया, ठीक है। डिटेल पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं एप्लीकेशन में। अगला बढ़ते हैं, सुंदरतम की मूल अवस्था क्या है। मूल अवस्था पहली अवस्था को बोलते हैं, क्या होगी। अब देखिए वैसे अगर आपको पता है थोड़ा सा, तो सुंदर मैंने बता दिया कि मूल अवस्था, यानी कि इसका जो मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द अगर आप इसको तम को हटा देंगे तो मूल शब्द बचेगा सुंदर। सुंदरी मतलब मूल शब्द है, उसके बाद ही तो ये सुंदरी, सुंदरता, सुंदरम सब बने होंगे। तो मूल शब्द क्या है आपका, सुंदर। तो ये तो आपको सिंपल सा है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, इस तरह के अन्य शब्दों को भी आप देखेंगे तो आप अच्छे से पहचान पाएंगे। तो याद रखें जो शब्दों की अवस्था होती है
वो तीन प्रकार की होती है, एक तो ये रही मूल अवस्था, एक होती है आपकी उत्तर अवस्था, ठीक है, जो नंबर दो होती है, और नंबर तीन कौन सी होती है, उत्तम अवस्था, ठीक है, उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था का जो एग्जाम्पल है वो ये है, ठीक है ना, और ये हो गई आपकी मूल अवस्था, क्लियर। और इसमें उत्तर अवस्था की है नहीं, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ, कौन सा, उच्च। उच्च कौन सी है आपकी, मूल अवस्था। और अगर मान लीजिए हम इसमें लगा देते हैं उच्चतर, तो ये हो गई आपकी उत्तर अवस्था। और उत्तम अवस्था करने के लिए हम लगा देंगे इसमें उच्चतम, ठीक है, उच्चतम, तो ये आपकी होगी उत्तमावस्था, क्लियर। मूल अवस्था ध्यान रखिए, मूल अवस्था वही होते हैं जो कि किसी भी शब्द का मूल शब्द बताते हैं। तो अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है। बहुत सिंपल है, जय में उल्टा करना है इसको, विलोम कर देंगे तो जय का उल्टा क्या बन जाएगा। अब यू मत कहना सर विजय, ठीक है, विजय नहीं होगा, ठीक है, जय और विजय तो दोनों एक दूसरे के समानार्थी हो गए। तो इसमें देखिए विलोम शब्द बनाएंगे हम, अब विलोम शब्द बनाएंगे तो आपको पता चलेगा जय का क्या बन जाएगा, पराजय बन जाएगा। तो परा इसमें क्या हो जाएगा, परा इसमें उपसर्ग है, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, पराजय, हराना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और भी अन्य दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि वी, वी माने क्या होता है, वी माने होता है भिन्नता, क्या होता है, भिन्नता या विशेषता, ठीक है। अब इनसे जो शब्द बनते हैं वो कैसे बनते हैं, विकास, विज्ञान, विदेश, विजय आदि। और देखेंगे अगला परी का, परी का मतलब होता है आसपास, आसपास, आसपास कुछ चीजें, ठीक है। इसके एग्जांपल के लिए जैसे परिक्रमा, पर्यावरण, परिणाम आदि, ठीक है। अब बात क्या, कौन सा बच्चा, आ बच्चा, आ में क्या होता है, आ का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी, अभाव, जैसे कि अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार आदि, क्लियर। तो आपको सारे ही बता दिए, आई होप क्लियर हो गए होंगे, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है, यानी कि उसके अंदर इक प्रत्यय आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए दैविक, अब इसको अलग अलग करेंगे तो आप देखेंगे दैव प्लस इक, ठीक है, तभी तो दैविक बना क्योंकि छोटी की मात्रा है। सामाजिक क्या बन गया, समाज प्लस इक, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इधर वाली मात्रा को रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ लगी हुई है। भौमिक में भी देखेंगे तो देखेंगे कि भौम और एक, यानी कि सब में आ गई, तो आंसर क्या बचा हमारा, आंसर बचा हमारा आंसर नंबर डी, कि इसमें से कोई से भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि एक से ना बना हो। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, क्या कह रहा है, लंबोदर का विग्रह पद क्या होगा। लंबोदर को अगर अलग अलग करेंगे विग्रह पद क्या होगा, देखेंगे लगभग मिलता हुआ देखेंगे, जैसे लंबे पेट वाला, लंबे उधर वाले गणेश जी, लंबा ही है उधर जिसका, ठीक है। पर यहाँ पे हम कंप्लीट जो विग्रह है वो क्या कहलाएगा, लंबा उधर है जिसका, ये सेंटेंस आपको याद रखना है, अर्थात, अर्थात जरूर आएगा गणेश जी, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो गया, लंबा उधर है जिसका अर्थात गणेश जी, क्लियर, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया किसी चीज के लिए। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 क्या है, राई का पहाड़ बनाना का अर्थ क्या होता है, राई का पहाड़ बनाने का अर्थ क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर कहना, असंभव कार्य करना, कलंकित करना और पुष्टि करना, क्लियर। अब देखो राई जो होती है छोटी 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 राई होती है, आप देखा होगा राई हाथ के अंदर नहीं रुकती है, वो रेत की तरह हमेशा हाथ से निकल जाएगी, तो उन चीजों को क्या होगा मतलब, और कह रहा है राई का पहाड़ बना दिया, क्लियर, तो क्या हो गया, बड़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया एक तरह से, क्लियर। और असंभव कार्य को बोलते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं हाथ पे सरसों उगाना, याद रखना ये पेपर में पूछा गया था, असंभव कार्य करना, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा रहा आज की क्लास में, हमने बहुत सारे डिस्कशन भी किए और पिछले टॉपिक को भी समझा क्रिया का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आप फिर से मिलेंगे आपके साथ में, तब तक अपना और अपने घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।